बाई इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग सर्कम फ्रेंड्स ऑफ द सर्कल फिर से पढ़ते हैं एंगलेंडेड बाई इट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग सर्कम फ्रेंड ऑफ द सर्कल इसका मतलब ये बोल रहे यहां पर आर्क बन गया हम यहां से एक बना लेते हैं इसी आर्क पे कहीं दूसरा पॉइंट यही बोल रहा है इज डबल डबल को डिस्कस कर नहीं है द एंगल सब इट इस पे बाय इट एट एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट ये पॉइंट पे इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस मतलब देखो अपन पहले क्या यूज किए थे पी क्यू अब बचा क्या है? ये QP, ये क्यूपी रिमेनिंग सर्कम्फ्रेंस ठीक है ना ये पी क्यू था ये इसको मान लेते हैं माइनर आर्क और पी क्यू को माइनर आर्क और क्यूपी क्या हो जाएगा यहाँ पे मेजर आर्क तो जो बोलता है अगर पी क्यू अब यहाँ पे सेंटर पे अगर ये एंगल बन रहा है इस आर्क पे तो रिमेनिंग इस आर्क पे कहीं भी बनेगा वो उसका क्या होगा डबल होगा मतलब ये कहना चाह रहा है यहाँ पे एंगल इसको मान लेते हैं आर इसका मतलब ये बोल रहा है ध्यान सुन, सुनना इसका मतलब ये बोल रहा है जो एंगल पी ओ क्यू है एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू डबल 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 और ट्वाइस डबल द एंगल ऑफ पी आर क्यू इसका मतलब ये बोल रहा है ठीक है वही बोल द एंगल्स सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर सेंटर पे बनाया एंगल पीओक्यू इज मतलब इक्वल डबल डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट यहाँ पे कहीं भी पॉइंट ऑन द रेमेनिंग सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल ठीक है इसको अपन लिख लो इसके बेस से अपन कुछ एग्जांपल सीखते हैं ध्यान सुनना ठीक है अब देखो ये क्वेश्चन देखो सपोज दिस इज ये है ठीक है अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है स्टूडेंट्स बोलेगा सपोज दिस डिग्री ये क्या है पी आर क्यू सेंटर से बन रहा है पीओ की ठीक है और यहाँ पे थर्टी डिग्री है तो अपने से क्वेश्चन ये पूछेगा व्हाट इज द एंगल ऑफ पीओ क्यू क्या क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द एंगल ऑफ पीओ क्यू तो क्या हो जाएगा अपने को पता है कि सेंटर से कहीं भी इस सेंटर पे कहीं पर भी, भी बने इस आर्क पे इस पी क्यू को छोड़ के इस इस पॉइंट पे यहां से लेकर यहां तक कहीं पे भी, भी अपना आर्क बनेगा ठीक है तो कैसे बनेगा एंगल पीओ इक्वल्स टू टू ऑफ एंगल पी आर क्यू ठीक है और अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट इज एंगल पी ओ क्यू ठीक है तो एंगल पीओ क्यू क्या हो जाएगा पीओ क्यू टू ऑफ व्हाट इज पी आर क्यू थर्टी डिग्री व्हाट इज द एंगल ऑफ पी ओ क्यू स्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे सिक्सटी डिग्री ठीक है ये क्या हो जाएगा सिक्सटी डिग्री ठीक है एक और डायग्राम देखो अभी हम बहुत सारे डायग्राम करेंगे इसके बेस से देखो दिस डायग्राम स्टूडेंट्स यहां पे क्वेश्चन आपको पूछा है व्हाट इज द एंगल ऑफ पी आर क्यू सेंटर ओ है ओ पे सेंटर है और यहाँ पे एटी डिग्री दिया हुआ है तो व्हाट इज व्हाट इज एंगल ऑफ पी आर क्यू तो सेम वही करेंगे क्या करेंगे एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू टू ऑफ हाफ एंगल पी आर क्यू

तो यहां से हमने को ये समझ आ रहा है कि जो तो सेंटर पे एंगल हमेशा क्या बनेगा लार्ज बनेगा एज कम्पेयर टू दर्कमेंट ऑफ इसी किसी पॉइंट पे अगर एंगल बनेगा तो सबसे बड़ा सर्कल यहां पर देखो यहां. अगर ये थर्टी है तो ये क्या हो जाएगा सिक्सटी ठीक है ये क्या हो जाएगा सिक्सटी इसका डबल हो जाएगा और अगर ये एटी है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर्टी और ये अगर ये फोर्टी तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे एटी ठीक है एक और सर्कल अपन ड्रॉ कर लेते हैं देखो

इस आर्क पे बन रहा है ए बी ये एंगल दिख रहा है अब देखो मैंने क्या किया ये इसको देखो इसको यहाँ पे से यहाँ से ऐसा गया था अब ये जो सर्कल है ये जो इसको अपन ऐसा करके लेके आते हैं तो मैंने इसको क्या किया इसको ऐसे ले गया और इसको वापस लेके आ गया यहाँ पे तो यहाँ पे भी, भी सेम कंडीशन लगेगा स्टूडेंट्स एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू टू ऑफ एंगल ए पी बी तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू टू ऑफ सिक्सटी डिग्री तो क्या आ जाएगा एंगल ए बीस वॉट ट्वेंटी डिग्री ठीक है देखो यहाँ पे क्या हुआ था इस पॉइंट से बना पी से स्टार्ट हुआ पीओ क्यू इस पॉइंट से स्टार्ट और यहां पे खत्म और यहां पे देखो पी से स्टार्ट हुआ पी आर क्यू इस पॉइंट से स्टार्ट ये जो एंगल पी आर क्यू है पी से स्टार्ट हुआ क्यू से खत्म हुआ ठीक है ये भी वैसे ही बना पी से स्टार्ट हुआ पीओ क्यू और यहाँ पे पी आर क्यू यहीं पे खत्म हो रहा है और यहां पे भी देखो यहाँ पे ये जो एंगल है एओ बी ए बी पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ बी में खत्म हुआ और ए देखो ए आर पी को देखो ए पी बी को देखो ए पी बी को देखो ए से स्टार्ट हो रहा है पी पे बन रहा है और खत्म पे हो रहा है एंड पॉइंट बी पे ठीक है एंड पॉइंट कहाँ पे खत्म हो रहा बी पे ही बन रहा है ठीक है ना तो इस तरीके से भी देख सकते हो कि जो एंगल ए ओ बी है ए से स्टार्ट हुआ बी में खत्म ए ओबी और जो एंगल ए पी बी है ए से स्टार्ट हुआ और बी से खत्म

दोनों का स्टार्ट पॉइंट एक ही है और दोनों का एंड पॉइंट भी क्या है सेम है तो अपन ये लगा लेंगे और बस इतना याद रखना कि अगर सेंटर से हमेशा क्या होगा लार्ज होगा एज कंपेरिजन टू कोई भी सर्कम फ्रेंस पर अगर ये एंगल लाइक करे ठीक है हमेशा सेंटर क्या होगा बड़ा होगा एंगल बड़ा होगा इस सर्कम फ्रेंस पे कोई भी पॉइंट अगर एंगल बने तो हमेशा एंगल ए ओ बी या जो सेंटर पे रहेगा वो हमेशा क्या होगा लार्ज होगा एज कम्पेरिजन टू द अदर पॉइंट ऑफ द सर्कम फ्रेंस ऑफ द सर्कल ठीक है तो ये समझ आया सेम वैसी है ठीक है एक और देखते हैं नो सी दिस फिगर देखो अच्छा समझना है जैसे भी लिखा ए ओ बी अब यहां पे मैं एक और पॉइंट बना रहा हूं ये सेंटर पे ओ ए सेंटर तो एंगल ए ओ बी ठीक है ये तो हमेशा लार्ज रहेगा अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ मैं एक और लाइन खींच रहा हूं देखो यहाँ पे ध्यान से देखना यहाँ पे एक और मैं मेजर कर रहा हूँ एक और वन लाइन और ए बी तो है मैं एक और मेजर किया देखो अच्छे से ये ऐसा मेजर हो रहा है यहां से मैं पॉइंट से स्टार्ट किया इसको यहां से स्टार्ट किया ठीक है यहाँ पे लेके गया इस पॉइंट पे ठीक है और इस पॉइंट पे ला के यही खत्म कर दे रहा पे? पे। हूं किया ऑलरेडी ए बी बना बना हुआ था मैंने यह किया अब क्या बना दिया ए पी बी मैंने क्या बना दिया ए पी बी सो डोंट कंफ्यूज ये भी देखो यहाँ पे क्या होगा ए ओ बी ए से स्टार्ट बी में खत्म और एंगल ए पी बी ए पे स्टार्ट और बी पे क्या हो रहा है एंड हो रहा है एंगल एंगल ए पी भी क्या हो रहा है ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे एंड हो रहा है और एंगल ए से स्टार्ट हो रहा है बी में खत्म हो रहा है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा एंगल एओ इक्वल्स टू टू ऑफ एंगल ए पी बी ठीक है सपोज अगर ये एंगल फोर्टी uh, डिग्री है सपोज दिस एंगल इज वॉट ले लेते हैं ट्वेंटी फाइव डिग्री ए पी बी अगर ट्वेंटी फाइव डिग्री होगा तो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एज वॉट फिफ्टी डिग्री ठीक है तो डायग्राम देखो कितने टाइप के डायग्राम है ये फर्स्ट टाइप का हो गया डायग्राम ये सेकंड टाइप का हो रहा थर्ड टाइप का डायग्राम तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दिस टाइप ऑफ डायग्राम बस इतना याद रखना सेंटर पे बनेगा तो हमेशा डबल होगा ये ग्रेटर होगा ठीक है और एंगल ए जैसे ये एग्जाम्पल में देखे एंड स्टार्ट हो रहा है बी पे एंड और एंगल ए पी बी ए पे स्टार्ट हो रहा है बी पे एंड हो रहा है तो इस तरीके से अपन ठीक है तो ये समझ आ गया क्लियर हो गया ठीक है, है एक और नेक्स्ट थे थ्योरम नंबर एट स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम मतलब एक्सरसाइज में ये ठीक है इसके बेस से अपन सॉल्व करेंगे देखो क्या बोला है एंगल सब्टेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ ए सर्कल क्या बोला एंगल सब्टेंडेड एंगल कहाँ बन रहा है एंगल सब्टेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ ए सर्कल बोलता है जो एंगल है एंगल कहाँ बन रहा है डायमीटर पे बन रहा है डायमीटर के बेस पे एंगल बन रहा है एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ डायमी सर्कल इसका मतलब ये भी एंगल कहाँ सबटेंड हो रहा है एंगल कहाँ बन रहा है डायमीटर डायमीटर ऑफ ऑफ पे बन रहा है एट अ अ पॉइंट ऑन द राइट एंगल इसका मतलब ये बोल रहा है स्टूडेंट्स देखो फिर से पढ़ते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ डायमी सर्कल एट अ पॉइंट कोई भी एक पॉइंट एन पे कोई भी एक पॉइंट एन पे ठीक है ऑन द सर्कमेंस राइट एंगल right मतलब ये बोलना चाह रहा है स्टेंस कि अगर कोई भी डायमीटर से ये सेंटर से सेंटर से पास क्या होता है डायमीटर ही पास होता है दिस इज रेडियस एल एन इज एल एम इट इज वॉट डायमीटर अगर डायमीटर सर्कम पे ये फेंस पे अगर बनाएगा कोई भी एंगल तो कितना बनाएगा नाइनटी डिग्री देखो ये प्रूव करना है एंगल एन एम इज एन एंगल एल एन एम इट मेक्स नाइंटी डिग्री कंडीशन कब होगा व्हेन द डायमीटर मेक्स सबटेंड एन एंगल एंड सबटेंड एंगल मतलब अगर डायमीटर अगर एंगल बनाएगा तो वो कितना बनाएगा हमेशा 90 डिग्री यहाँ तक क्लियर हुआ ठीक है तो गिवन में देखो एंगल में क्या एंगल एल एन एम इज सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑन द सर्कल ठीक है व्हाट वी हैव टू प्रूव एंगल एल एन एम द एल एन एम वी हैव टू प्रूव 90 डिग्री as we know एल ओ एम इज 180 डिग्री देखो एल ओ एम ये जो एल ओ एम है ठीक है ना एल ओ एम एल ओ एम क्या है डिग्री है, ठीक है सो दिस टू एंगल एल एम बाई यूजिंग थ्योरम नंबर सेवन तो एंगल टू एन एम इज वॉट वन डिग्री तो दिस गो दिस साइड अपॉन टू हो जाए तो आंसर क्या आ जाएगा डिग्री तो आपने को सिर्फ इतना याद रखना है क्या याद रखना है कि अगर डायमीटर पे कोई भी एंगल बनेगा सर्कम फेंस पे तो कितना डिग्री बनाएगा नाइन्टी डिग्री बनाएगा ठीक है बस इतना याद से रखना है सर्कल पे याद नहीं रखोगे फिर भी चलेगा बस इतना जरूर याद रखना इफ डायमीटर मेक्स एन एंगल इन द सर्कम ऑलवेज मेक्स नाइन्टी डिग्री सेंटर अगर डायमीटर ही बनाएगा एंगल देन इट मेक्स नाइन्टी डिग्री ओके फिर उन्होंने याद रखने की जरूरत नहीं है बस ये याद रखो बस ठीक है ये इंपॉर्टेंट है नंबर देखो से समझ लो एक और एग्जाम्पल थो नंबर एट को सपोज दिस इज डायमीटर ठीक है ना ये डायमीटर है मैं थियो नंबर एट ही बता रहा हूं ठीक है एग्जाम्पल देखिये सपोज दिस इज डायमीटर ये डायमीटर है सपोज दिस इज ए बी ए बी है और सपोज ये एंगल बना रहा है ठीक है ये एंगल ऐसा बना रहा है दिस एंगल कहां से बना रहा है डायमीटर से ठीक है कहां से बनाया डायमीटर से सपोज दिस इज वॉट बी और ये सेंटर ओ है ठीक है क्या है सेंटर ओ है तो क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ डायमीटर मेक्स एन एंगल 90 डिग्री ऑन एनी देंस मतलब एंगल ए पी बी क्या बनेगा एस यहाँ पे 90 डिग्री समझ आया सपोज इसको और ले लेते हैं सपोज इसको ऐसा ले लो सपोज दिस इज डायमीटर ठीक है ना सेंटर से पास हो रहा है सेंटर ओ दिस इज वॉट डायमीटर सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी सपोज इट मेक्स नाइन्टी डिग्री हियर सपोज इट मेक्स एंगल हि एंगल कहाँ बना रहा है यहां पर बना रहा है ठीक है एंगल कहां बना रहा है यहां पर बना, बना, बना रहा है तो दिस एंगल ये जो एंगल है क्या बन जाएगा एंगल बी ओ एट मेक्स नाइन्टी डिग्री सॉरी बी इसको सी ले लो सॉरी सी आएगा ना इसको सी ले लो एंगल बी सी ए इसको सी आएगा दिस इज वन सी एंगल बी सी इक्वल्स टू नाइनटी डिग्री ठीक है ना डायमीटर से तो एक एक्सेप्टेंट बन रहा है एंगल और कहीं भी टच हो रहा है तो एंगल क्या बन जाएगा बी सी एट मिक्स नाइन्टी डिग्री ठीक है सपोज दिस सपोज दिस इज एग्जाम्पल चलो एग्जांपल देखते हैं पर सपोज दिस इज

ठीक है ना डायमीटर से सबटेंट बनाता है कहीं भी सर्कम फ्रेंड से तो कितना इज एंगल ऑफ एबीसी एबीसी दिस इज नाइन्टी दिस इज थर्टी तो नाइनटी प्लस थर्टी इज वन ट्वेंटी तो ये एंगल कितना आ जाएगा यहाँ पे वन कितना प्लस थर्टी वन ट्वेंटी तो ये जाएगा आंसर कितना सिक्सटी वाई सिक्सटी सम ऑफ थ्री एंगल्स एंगल इट मेक्स वन

दिस ए बी इज वाट माइनर सेगमेंट दिस होल बी एज वाट मेजर सेगमेंट ए बी क्या पे माइनर है और बी ए क्या है मेजर सेगमेंट है ठीक है सेगमेंट आपको पता है कॉर्डर किससे बनता है ये जो एरिया है कॉर्डर और जो आर्क से बनेगा इस एरिया को क्या बोलेंगे माइनर सेगमेंट और ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट बी ए इज अ मेजर एंड ए बी इज अ माइनर सेगमेंट वाट द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कुलरिकल मतलब ये बोलता है कि अगर सेम सेगमेंट पे कोई भी एंगल बनेंगे मतलब ए डी बी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ए से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है बी पे ए डी बी ए से स्टार्ट बी पे खत्म वैसे ही ए सी बी ए से स्टार्ट बी से खत्म ठीक है ना ये जो एंगल ए डी बी कहा से स्टार्ट हो रहा है ए से डी पी एंड कहाँ पे हो रहा है बी पे सेम एज इट इज एंगल ए सी बी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ए से ए सी बी ए सी बी और बी में कहा हो रहा है खत्म हो रहा है तो सेम अगर सेम सेगमेंट पे अगर एंगल बनेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे ये प्रूफ करना है एंगल ए सी इक्वल्स टू ए डीबी ए सी देखो प्रूफ होगा ठीक है देख लेते बाद में अब एंगल ए वी नो एंगल ओ बी देखो a, o, सेंटर पे एंगल बन रहा है ए ओ बी कहां बन रहा है सेंटर पे बन रहा है टू ऑफ एंगल ए सीबी टू ऑफ एंगल ए सी बी ठीक है ना ए बी और सेम यहीं से एक और एंगल गया ए सी बी पे फिर से एक और गया, A, C, B. तो यहां से स्टार्ट कदम तो ये जो सेंटर एंगल ओ बी इक्वल्स टू टू ऑफ एंगल ए सीबी ठीक है तो सेम एज इट इज एंगल इज टू ऑफ ए डी बी ए डी बी ठीक है यहाँ A, o, और यहां पर एडीबी ए डी बी क्या हो जाएगा टू तो यहाँ फिर देखो ए डी बी ए से स्टार्ट बी से खत्म तो यहाँ पे ए डी बी बन रहा है तो, सेंटर पे बन रहा है। तो एंगल A, o, क्या हो जाएगा ठीक है तो एक्वल टू अब दिस इफ एल एच एस इज इक्वल टू एल एच इज ऑल्सो इक्वल तो टू ए सी बीवल टू ए डीबी दिस टू टू कैंसल तो प्रूव हो गया ए सीबीक्स टू ए ठीक है स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना देखो जो अपना सेंटर से बनता है वो हमेशा इसके डबल होगा ठीक है बट ये जो सेगमेंट में बनेगा ये हमेशा इन दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल मैं चलो एक कुछ एग्जाम्पल समझा देता हूँ देखो थियो नंबर नाइन क्या बोलना क्या चाह रहा है ये बोलता है कि ए बी इज अ सेगमेंट ठीक है ना ए बी क्या सेगमेंट है और ये क्या आर्क है तो ये बोलता है कि अगर ए डी बी अगर सेम सेगमेंट देखो ए से स्टार्ट हो रहा है ए डी बी स्टूडेंट्स अभी मान लो सेंटर पे नहीं बना सेंटर पे बनेगा तो डबल बन जाएगा ठीक है ना तो अभी देखो यहाँ पे सेंटर पे टच नहीं मान लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखो क्या बोलना चाह रहा है ये ये सेगमेंट पे क्या बना है ए डी बी ए से स्टार्ट बी पे खत्म ए डी बी ठीक है और ए सी बी ए में स्टार्ट और बी में खत्म ए सी बी ठीक है ना तो यहाँ सपो अगर ये थर्टी डिग्री बनेगा तो ये भी कितना बनेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्टी डिग्री बनेगा कितना बनेगा थर्टी डिग्री ये बोलना चाह रहा है सपोज मैं एक ऑनलाइन ले लेता हूँ ए से स्टार्ट करता हूँ और बी पे खत्म कर देता हूं ठीक है ना ए से स्टार्ट और बी पे खत्म सपोज ये ई e है तो वाट इज द एंगल ऑफ ए ई बी दिस इज ऑल्सो थर्टी डिग्री ये भी क्या बनेगा थर्टी डिग्री क्योंकि सेम सेगमेंट पे बन रहा है ए से स्टार्ट हो रहा है और ए से स्टार्ट और बी पे खत्म ए ई e, बी

ए बी इज द डबल ऑफ एंगल ए पी बी ये हुआ था एंगल ए ओ पी बी डबल ऑफ ए पी बी ठीक है सपोज दिस इज वॉट सपोज इसको मान लेते हैं सिक्सटी डिग्री तो हमेशा डबल ये बड़ा होता है ठीक है हमेशा तो ये सिक्सटी तो ये कितना बनेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्टी डिग्री बनेगा कितना बनेगा थर्टी ठीक है ना यहाँ पे थर्टी और हमेशा डबल क्या होता है सेंटर पर जो भी एंगल बनेगा हमेशा यहाँ बनेगा बड़ा बनेगा तो दिस इज थर्टी तो इसका डबल क्या हो जाएगा सिक्सटी ठीक है अब सपोज मैं यहाँ पे ये बोलूँ सपोज आई एम मेकिंग वन एंगल सपोज यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे स्टार्ट किया और यहाँ पे आग ला मैं ख़त्म कर दिया ध्यान सुनना अब ए से स्टार्ट और बी पे ख़त्म सपोज दिस इज एंगल सपोज आई एम सेइंग हियर व्हाट इज द एंगल ऑफ ए पी बी अब ए पी बी क्या हो जाएगा ए पी बी क्या होगा ए सेम एंगल होगा क्या होगा थर्टी डिग्री होगा क्या होगा थर्टी डिग्री होगा ठीक है ना ये सेंटर पे हमारा सिक्सटी और इसका जो होगा ये हाफ यहां पे थर्टी होगा और यहां पे क्या बनेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्टी तो एंगल ए पी बी भी, भी क्या बनेगा यहाँ पे थर्टी डिग्री क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है और खत्म पे हो रहा है पी पे खत्म हो रहा है ठीक है ना उस एक्सरसाइज नंबर थ्री फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप लिखना कैसे इसको क्वेश्चन में पूछा है दिस इज योर फिगर ठीक है ंगल्यूर टू फाइंड अब ये आंसर डिग्री अगर दिस इज सेंटर ओ सेंटर ओ है खत्म पीओ क्यू पी में स्टार्ट पी आर क्यू पी से स्टार्ट आर क्यू में क्या हो रहा है एंड हो रहा है तो क्या हो इज एंगल ऑफ ओपी क्यू क्या होगा अच्छा जस्ट मिनट क्वेश्चन क्या पूछा है ओपी क्यू पूछा है ना ठीक <coughs> है अगर मैं बोलू कि पीओ क्यू पीओ क्यू क्या आएगा यहाँ पे हंड्रेड आएगा कि नहीं आएगा ऑफ कोर्स हंड्रेड आएगा आएगा ना हंड्रेड वट इज एंगल ऑफ पीओ क्यू पीओ क्यू इज वट मेक्स हंड्रेड तो लिखेंगे इसको एंगल पीओ इक्वल्स टू टू ऑफ एंगल PRQ अपने को क्या फाइंड आउट करना है व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर वी हैव टू फाइंड आउट OPQ मींस वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन ठीक है तो ये तो कंफर्म हो गया कि एंगल POQ इज अ डबल ऑफ PRQ यहां क्या लिख दोगे mm -hmm. एंगल शॉर्ट पे लिखना है शुड टू है ना mm -hmm. क्या लिखोगे शॉर्ट पे एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर ज ट्वाइज दंगल सब्टेंडेड ऑन रिमेनिंग सेगमेंट बस इतना ही लिखना है ठीक है रिमेनिंग सेगमेंट ठीक है यहां तक क्लियर है अगर दिस इज फिफ्टी तो यह क्या हो जाएगा हंड्रेड हो जाएगा तो पढ़ रहे हैं अपन ये डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग से और व्हाट क्या फाइंड आउट करना है अपने को क्यू अब यहां पे ये देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखो आप लोग ओपी इज वट रेडियस ओ क्यू इज वॉट रेडियस ठीक है एज वी नो इफ दिस इज दिस ट्राइंगल देखो इन ट्राइंगल इन ट्राएंगल ओ पी क्यू ओ पी इक्वल टू ओ क्यू वाई बिकॉज बोथ क्या है यहां पे रेडियस है एज वी नो इफ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल अगर इफ द जस्ट ए मिनट रेड पेन से कर देता हूँ ना अपोजिट साइड सो द अपोजिट एंगलो इक्वल ये एंगल दिस एंगलो इक्वल ठीक है ना दिस एंगल दिस एंगल सो वी डोंट नो बट वी नो दिस एंगल इज वॉट ये कितना निकल गया हमारे पास हंड्रेड आ गया ठीक है ना तो वी डोट नो दिस एंगल एंड दिस एंगल बट एज वी नो ऑप इक्वल टू इक्वल टू ओ यू है सो so, एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू पी बोथ आर इक्वल ठीक है ना अगर ट्र एंगल ओपी में देखो देखे अपोजिट इक्वल सो द अपोजिट एंगल्सो अपोजिट इक्वल सो द अपोजिट एंगल्स अगर ये और ये इक्वल है तो इसके जो अपोजिट रहेगा ये एंगल और जिसके अपोजिट ये है दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे क्लास नाइन पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और बहुत सारे क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं ठीक है सो वी डोंट नो एंगल ओपी इक्वल तो इसको ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं सपोज इसको एक्स लेंगे तो ये भी एक्स हो जाएगा अब इन ट्रैंगल ओपी क्यू देखो क्या हो जाएगा एंगल इन ट्रैंगल ओपी में देखना एंगल ओ प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 180 डिग्री ठीक है ना सो व्हाट इज एंगल ओ पी बोथ आर इक्वल तो इसको ले लेते हैं एक्स एंड ओ आल्सो इज एक्स ठीक है ना नहीं लोगे फिर भी चलेगा चलो ठीक है ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं फिर क्या हो जाएगा एंगल पी ओ के इज वॉट हंड्रेड डिग्री वन एट्टी डिग्री तो टू एक्स दिस गो दिस साइड तो वन एट्टी माइनस हंड्रेड इट मेक्स वॉट एट्टी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स एट्टी अपॉन टू वट इज एक्स वैल्यू वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ईयर वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे फोर्टी डिग्री सो so, अगर ये फोर्टी है एक्स इज वॉट फोर्टी मगर ओपी क्यू और ओ क्यू बोथ आर इक्वल सो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी बोथ आर इक्वल सो बोथ आर फोर्टी डिग्री तो वी टू फाइंड ओपी क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर्टी डिग्री सो दिस इज आंसर ठीक है नौ सीधा सेकंड फिगर नो सीधा सेकंड क्वेश्चन है अच्छे से बनाना इसको खुद से बनाना देखो क्या बोला है दिस इज सेंटर ओ दिस इज ए दिस इज बी दिस इज पी एंड दिस इज क्यू ठीक है अब ध्यान सुनना अब देखो यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है ए ओ बी स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंड बी ए बी ठीक है यहां तक अब यहाँ पे ये यह एंगल देखो ए से स्टार्ट हुआ अब ये एंगल देखो ए पी बी ए से स्टार्ट कहां पे खत्म हो रहा है बी पे खत्म हो रहा है स्टूडेंट्स यहां पे तो इसका मतलब क्या होगा एंगल ओ बी इक्वल्स टू टू ऑफ एंगल एपीबी यही तो होगा होगा कि नहीं होगा ठीक है ना एंगल एओ इज टू ऑफ एंगल तो यहां पे ये यह देखो एंगल इज एज फिफ्टी डिग्री तो टू ऑफ एंगल एपीबी तो एपीबी क्या आ जाएगा यहाँ पे ये साइड आ जाएगा तो फोर्टी फिफ्टी डिग्री अपॉन ऑन टू दो एंगल एपीबी तो एंगल तो एपीबी क्या आ जाएगा यहाँ पे ट्वेंटी फाइव डिग्री ठीक है तो एंगल ए पी बी इज वॉट ट्वेंटी फाइव डिग्री मतलब ए पी बी ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे हो गया ये एंगल कितना हो गया ट्वेंटी फाइव डिग्री हो गया ये जो एंगल कितना हो गया ट्वेंटी फाइव डिग्री हो गया ठीक है ये एंगल है 25. आप ये एंगल देखो फाइंड फाइंड आउट क्या करना है हम लोग को ये तो फाइंड करना है पीओ पी बी ओ क्या फाइंड करना है पीबीओ यू हैव टू फाइंड पी बीओ मतलब ये फाइंड करना है पी बी ओ दिस एंगल पी बी ओ दिस एंगल यू हैव टू फाइंड ये एंगल अपने को फाइंड करना है ठीक है ये एंगल अपने को फाइंड करना है तो नहीं हो जाएगा फाइंड कौन सा ट्राइंगल लोगे ये ट्राइंगल ले लो कौन सा इन ट्राइंगल क्यू पी बी ठीक है ना ले लो क्यू पी बी ट्राइंगल अब देखो अब देखो स्टूडेंट्स इस अब देखो, इसके बाद तो आप लोग खुद बना लोगे क्यू पी बी अगर ये सेवेंटी है तो ये ट्वेंटी है तो क्यू ंगलेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और ये कितना होता है सम ऑफ ऑफ एटी आ जाएगा बन गया ठीक है तो ये समझ आया तो उसको लिख लो और क्या करेंगे क्यूपी भी है तो एंगल लिख लो यहां पे एंगल क्यू पी बी प्लस एंगल क्या फाइंड आउट करना है अपने को एंगल पी बी क्यू ठीक है प्लस एंगल पी क्यू बी इट मेक्स वन एटी यही तो हो रहा है ठीक है तो व्हाट इज एंगल क्यू पी बी क्यू पी बी अभी तो निकला कितना ट्वेंटी फाइव डिग्री व्हाट इज पी बी क्यू पी बी बी क्यू वी डोंट नो पी देखो पी बी क्यू बोलो या फिर पी बी हो बोथ आ रहा है एंगल एंगल क्या मना रहा है बी पी मना

ठीक है अब आपके अब आपके जो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया गया था यहां पे एक लाइन बना गया है यहां पे ठीक है यहां पे एक लाइन बना हुआ आपके डायग्राम पे देख लेना अच्छे से कंफ्यूज करने के लिए आपको यहां पे दिया हुआ ये जो है ऐसा दिया है क्वेश्चन पे मैं स्टार्टिंग नहीं बनाया था क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो गए करके ये ऐसा दिया हुआ है तो समझ आ गया कैसे करना अपने? है आपने ठीक है सो आई हेप यू अंडरस्टैंड सो आई हेप यू टू डू अंडरस्टैंड द क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट क्लास स्टूडेंट्स यहां से क्वेश्चंस आते हैं ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन कंपलसरी वन क्वेश्चन विल कम एक्सरसाइज नंबर थ्री एंड एक्सरसाइज नंबर फोर से कंपलसरी क्वेश्चन आएंगे ठीक है So I hope you have understood. Thanks to all of you. Tomorrow we will do same. Tomorrow we will continue the same exercise from the question number three. Okay, question number three discuss. Okay, students. So thanks to all of you.